हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12th एनआईएस बोर्ड का जो है ज्योग्राफी का चैप्टर, चैप्टर नंबर 24। इसमें आज हम करेंगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यानी औद्योगिक विकास। ये टॉपिक जो होगा कई मानने में हर एक क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो CBSE में पढ़ते हों, चाहे NIS बोर्ड में पढ़ते हों, चाहे UP बिहार के बोर्ड के बच्चे हों, चाहे जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये टॉपिक जो होगा काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, अमृत तुल्य होगा। इसमें जो हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और हर एक पहलू पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको पता है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों NIS सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th, 10th, 11th, 12th हो, चाहे वो NIS बोर्ड के बच्चे हो, ठीक है, चाहे BA, MA के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण NIS सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। द नेक्स्ट ईयर शुगर इंडस्ट्री, देयर इज इंपॉर्टेंट ईयर शुगर इंडस्ट्रीज। शुगर इंडस्ट्री इज द सेकेंड लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, देयर इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, द सेकेंड लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया द शुगर इंडस्ट्री। इफ यू टेक अ गुड़ एंड खम द सारी एंड शुगर टुगेदर, then the India become the largest producer of sugar production in the world. That is important. And in 2003, there is about 453 sugar mill in the country. You know that 2003 is the 453 sugar mill in the country of India. And this industry is employing about the 2.5 lakh people. There is job here, 2.5 lakh people, there are sugar mill here. And the next year, production. Production is important. The production of sugar depend upon the production of sugar cane and fluctuate, and with there is a fluctuations in the production of sugar cane. The total sugar production in the 2050 to 51 was 11.3 lakh ton. There is an important point. 2050 to 51 there are 11.3 lakh ton. It increased to be to 201.32 lakh ton in the 2003 to 2002. There is important here. Then important, 2002-2003 is the 101.32 lakh ton increasing production here. And in 2003-2004, it's a fell down to the 138 lakh ton. That is important. The next year distribution, the most of the sugar mill are concentrated in a 6 state, namely Uttar Pradesh, Bihar, Maharashtra, Tamil Nadu, Karnataka and Andhra Pradesh. There is a main here 6 state in India. There is a name of Uttar Pradesh, Bihar, Maharashtra, Tamil Nadu, Karnataka, and Andhra Pradesh. The first state here, Uttar Pradesh. Uttar Pradesh, it is a hold a significant position in the production of sugar. The sugar mill are highly concentrated in the western Uttar Pradesh in the district of Meerut, Muzaffar Nagar, Saharanpur, Biznaur and Moradabad and Bulandshahr Swahar. There is the most important there are district here. The sugar cane is factory here. In the eastern Uttar Pradesh is the Devroi, Basti, Gonda, Gorakhpur are important center here. Uttar Pradesh has the largest area under to sugar cane cultivation here. It has about half of the total area under sugar cane cultivation. But it was the able to produce only 1/3 of the total production of sugar in 2003-2004 in the country. Evidently, their per hectare production as well as sugar content in a produce are relatively is very low. The next year, Maharashtra.
महाराष्ट्र इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट इन द पेनिनसुलर इंडिया, प्रोड्यूसिंग अबाउट 1/4 ऑफ द टोटल शुगर प्रोडक्शन इन इंडिया. 1/4 इज इंपॉर्टेंट है. अ मेजर सेंटर ऑफ द शुगर प्रोडक्शन आर नासिक, पुणे, सतारा, संगीली, कोल्हापुर एंड सोलापुर. देर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट महाराष्ट्र स्टेट है. एंड आंध्र प्रदेश इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. द ईस्ट एंड वेस्ट गोदावरी इज विशाखा इज पटनम, निजामाबाद, मेदक एंड चित्तूर इज अ डिस्ट्रिक्ट आर देर सेंटर ऑफ द शुगर मिल इन द स्टेट. देर इज इंपॉर्टेंट. एंड ऑल्सो तमिलनाडु. तमिलनाडु इन देर इज तमिलनाडु इज अ नॉर्थ एंड साउथ आर कॉट आ मदुराई कॉम्बिट बेटर्स एंड दत्रो चेरपालीस एंड द इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट फॉर शुगर प्रोडक्शन. द नेक्स्ट ईयर कर्नाटका. कर्नाटका इट इज द ऑल्सो द इम्पोर्टेंट शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट. द बेलगुलम्स, मध्य बिलजुपुर एंड बेलेरिस एंड शिमोगा एंड द चित्रदुरा आर द शुगर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट ईयर. द कर्नाटका इज द मेन डिस्ट्रिक्ट ईयर. बट बिहार, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और अदर स्टेट वेयर शुगर मिल आर लोकलाइज्ड. दैट इज इंपॉर्टेंट. द फ्लोइंग आर द फैक्टर फॉर लोकलाइजेशन ऑफ शुगर इंडस्ट्रीज ईयर. देर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ईयर. फर्स्ट फैक्टर ईयर, शुगर कैन इज अ मेनली रॉ मटेरियल फॉर द मेकिंग ऑफ शुगर. शुगर मिल भी कैन बी सेट अप ओनली इन द शुगर कैन प्रोड्यूसिंग एरिया. शुगर कैन गेट अ ड्राई सून आफ्टर हार्वेस्टिंग. देर इज इंपॉर्टेंट. शुगर गेट अ ड्राई सून आफ्टर द हार्वेस्टिंग. इट कैन बी नेदर बी अ स्टोरेज नॉर अ कीप फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. द शुगर कैन शुड बी अ टेकन इमिजिएटली टू बी शुगर मिल आफ्टर हार्वेस्टिंग. देर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर. एंड सेकेंड पॉइंट हियर, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ शुगर कैन इज अ वेरी हाई. एंड जनरली शुगर कैन इज अ ट्रांसपोर्टेड टू थ्रू द बॉल कार्ट एंड विच कैन कैरी इट इज अप टू 20 to 25 किलोमीटर. रिसेंटली अ ट्रैक्टर, ट्रॉली एंड ट्रक इज हैज बीन टू यूज टू कैरी अ शुगर कैन टू बी अ शुगर मिल्स. देर इज इंपॉर्टेंट. एंड बिसाइड दिस फैक्टर अ कैपिटल मार्केट, लेबर एंड पावर ऑल्सो प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑन द फैक्टर ऑफ शुगर कैन इंडस्ट्रीज. द नेक्स्ट ईयर रीजन फॉर अ शिफ्टिंग ऑफ शुगर इंडस्ट्री फ्रॉम नॉर्थन इंडिया टू पेनिनसुलर इंडिया हेयर. Over the period of sugarcane industry is gradually shifting from a northern India state to state in a peninsular India. Some of the important reasons are flowing here. The first reason here, the production of sugarcane per hectare is higher in the peninsular India. In fact, sugarcane crop growing well in the tropical climate of South India. That is important. The next year, the sucrose is a content is a higher in the tropical variety of sugar can grow in the south. The next year, the crossing season in the South India is longer than in the North India. And the next, in a South India, most of the mills have a modern machinery here. And the next year, most of the mills in a peninsular India are a cooperative sector and where a benefit are maximized in the not be a solely objective. Very important. An important point arrived in this box. There is notable point, not your notebooks. There is the most important point here. Agro-based industries use agriculture production as their raw material. A cotton textile industry is the largest industry of organized sector of India. And cotton textile industry is widely distributed in India. And the large number of sugar mill are localized in Maharashtra, Uttar Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, Gujarat and Bihar. देखिए कहते हैं कि चीनी जो है चीनी के बिना रहना भी मुश्किल पड़ जाता है और चीनी अधिक हो जाए तो जीना भी दुश्वार हो जाता है. तो कहते हैं चीनी का जितना महत्वपूर्ण हमारे आज समाज में बन गया है उतना किसी और चीज़ का नहीं है. लेकिन चीनी का कृषि किस प्रकार होता है, इसका क्या क्षेत्र है और कैसे ये विकसित होती है, इसके बारे में जानना भी बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा. क्योंकि चीनी उद्योग ऐसा उद्योग होता है जहाँ पर जो है बहुत से लोगों को जो है कार्य मिल जाते हैं. और कहते हैं हमारे देश में जब चीनी मिलें बंद हो गई तो बहुत से लोग जो थे बेकारी के जीवन जीने लग गए और कई लोगों का जो है अपना जीवन भी चलाने के लिए रह नहीं गया. तो यही यहाँ पर चीनी उद्योग के अंतर्गत हम बात करने जा रहे हैं. चीनी उद्योग के अंतर्गत तो देखिए चीनी उद्योग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और भारत के लिए महत्वपूर्ण और भी बढ़ जाता है. कहते भारत के कृषि आधारित
उद्योगों में चीनी का उद्योग का जो है दूसरा स्थान है, यानी भारत के हम देखो उद्योगों में तो चीनी का जो है दूसरा स्थान है उद्योग में। अगर हम गुड़, खसारी और चीनी तीनों के उत्पादन में जोड़कर देखें तो भारत विश्व में चीनी उत्पादनों का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। यानी गुड़, खसारी और चीनी तीनों को अगर हम मिला दें तो भारत जो है विश्व में चीनी उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बन जाएगा। सन 2003 में हमारे देश में लगभग 453 जो है चीनी के कारखाने थे। यानी देखिए 2003 में हमारे देश में 400 यानी 450 से अधिक चीनी कारखाने थे और इस उद्योग में लगभग 2.5 लाख लोग लगे हुए थे। यानी देखा जाए तो 2,50,000 लोग जो थे इसमें इंक्लूड थे। कहते हैं चीनी उद्योग ने बहुत से लोगों को जॉब जो है प्रोवाइड्स किया है। उसके पश्चात आता है उत्पादन। देखिए उत्पादन के अगर अंतर्गत बात करें हम तो कहते हैं चीनी उत्पादन का सीधा संबंध गन्ने के उत्पादन से ही है। कहते हैं अगर गन्ना का उत्पादन अच्छा होता है तो जनरल सी बात है चीनी का भी उत्पादन अच्छा ही होगा। चीनी के उत्पादन में उतार चढ़ाव गन्ने के उत्पादन के उतार चढ़ाव पर निर्भर करता है। सन जो है 1950-51 में चीनी का कुल उत्पादन जो था 11.3 लाख टन था। वही 2003 और 2002 में जो है यह बढ़कर 201.32 लाख टन हो गया। परंतु देखा जाए तो 2003 से 2004 में यह घटकर जो है 138 लाख टन रह गया। तो आप समझ सकते हो कि ऐसा गिरावट क्यों दर्ज की गई, क्योंकि चीनी के लिए कहते हैं अगर चीनी अगर चाहिए तो गन्ने का उत्पादन को बढ़ाना पड़ेगा और गन्ने का उत्पादन जो है एक बहुत ही विशेष बातों पे जो है मान्य रखती है। इसके लिए अगर आप गन्ने को अगर काट देते हो, अगर उसको वहीं पर धूप में छोड़ देते हो तो उसके सारे रस जो होते हैं सूख जाते हैं। इसलिए इसका एक आदर्श रूल ये होता है कि जैसे ही आपने शुगर कैन को काटा वैसे ही उसको फैक्ट्री में पहुंचा के उसमें से जो है रस को निकाल लीजिए, तभी जो है वो बेनिफिशियल है, नहीं तो वो बेनिफिशियल नहीं है और इससे जो है बहुत नुकसान पहुंच जाता है। तो देखा जाए 2003-2004 में जो है काफ़ी गर्मी पड़ी थी जिसके कारण जो है गन्ने का जो है वास्तविकता मिट गई थी और इसके जो है उत्पादन घट के 138 लाख टन ही रह गई थी, जो कि 2003 में देखा जाए तो 201.32 लाख टन था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इतने जो कम गई, इतनी जो डिक्रीसिंग हुई, इनका बहुत बड़ा जो प्रभाव था कि भारत के लोगों पर पड़ा था इसके उत्पादन के अंतर्गत। उसके पश्चात आता है हमारे समक्ष वितरण। देखिए वितरण का होता है डिस्ट्रीब्यूशन कि जो है चीनी जो है मिल्स, चीनी के कारखाने किस किस राज्य में जो है महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, तो इसी के विषय में हम यहाँ चर्चा करेंगे। कहते हैं वितरण की बात करें तो चीनी के अधिकांश कारखाने 6 राज्यों में ही संकेंद्रित हैं और यह राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। यानी देखा जाए तो भारत में सिर्फ 6 राज्य हैं जहां पर जो है चीनी उद्योग बेखूबी लगाई गई है। तो चलिए देखते हैं एक बाई एक इसके जो है देश राज्यों के बारे में। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश का ही नाम आता है क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है गन्ना उत्पादन में बहुत ही अग्रसरणीय है। तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो कहते हैं चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर चीनी के कारखाने पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और बिजनौर, मुरादाबाद और बुलंदशहर जिलों में सब केंद्रित है। तो ये सारे जो ज़िले हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है जहां पर जो है चीनी के कारखाने जो है वास्तविकता देखा जा सकता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में देवरिया, बस्ती, गोंडा और गोरखपुर जिले जो हैं चीनी उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। उत्तर प्रदेश में गन्ने की कृषि के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र आते हैं, लेकिन यह राज्य 2003-04 में जो है भारत के कुल चीनी उत्पादन का केवल 1/3 भाग का ही उत्पादन कर सका और यहाँ पर गन्ने का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम और गन्ने में चीनी का अंश भी कम है। तो जैसे कि आपने ऊपर भी देखा था कि 2003-04 में जो है चीनी का उत्पादन सिर्फ 138 लाख टन था, तो इसका कारण भी यही था कि उत्तर प्रदेश में जो है गन्ने का अच्छा कृषि नहीं हुआ और सारे के सारे जो है गन्ने सूख गए थे और देखा जाए तो सिर्फ 1/3 भाग ही गन्ना का उत्पादन कर सका और यहाँ गन्ने के प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम है और गन्ने में चीनी का अंश भी कम था, इसलिए 2003-04 में जो है इतनी गिरावट देखने को मिला। उसके पश्चात आता है महाराष्ट्र। देखिए महाराष्ट्र का भी महत्वपूर्ण स्थान है। भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में महाराष्ट्र एक महत्वपूर्ण चीनी उत्पादक राज्य है। यहाँ चीनी का उत्पादन देश के सकल उत्पादन के 1/4 अंश के बराबर होता है, यानी 1/4 के बराबर, यानी 4 अगर हिस्सों से अगर दूसरे जगह से मिल रहे हैं तो एक हिस्सा जो है महाराष्ट्र से ही हमें प्राप्त हो रही है।
महाराष्ट्र राज्य में चीनी उत्पादन के प्रमुख केंद्र जो है नाशिक, पुणे, सतारा, सांगली, कोल्हापुर और सोलापुर। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण केंद्र है जहाँ पर जो चीनी उत्पादन जो है बहुत ही उच्च कोटि की जाती है। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में देखा जाए तो पूर्वी एवं पश्चिम गोदावरी, विशाखापट्टनम, निजामाबाद, मेडक और एवं जो है चतूर जिले इस राज्य के चीनी उत्पादन के केंद्र के रूप में देखा जा सकता है। वहीं अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु जो है इस राज्य के उत्तरी तथा दक्षिण जो है अरकोट, मदुरे, कोयम्बटूर और जो है चित्रपल्ली चीनी उत्पादन के महत्वपूर्ण जिलों में से माना जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात आता है कर्नाटक का स्थान। देखिए कर्नाटक जो है ये भी एक महत्वपूर्ण चीनी उत्पादक राज्य है और इस राज्य के जो है बेलगामा, मंड्या, बीजापुर, बेलारी और सिमोगा और जो है चित्रदुर्ग जिले चीनी उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण आदर्श केंद्र है। और कहते हैं बिहार, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान अन्य राज्य हैं जहाँ चीनी मिलें अव्यवस्थित है। कहते हैं यहाँ पर भी चीनी मिल है लेकिन अव्यवस्थित है। पुराने समय में यहाँ पर चीनी मिल हुआ करती थी लेकिन आज जो है ये चीनी मिलें सारे बंद हो चुकी है, तो अव्यवस्थितता के यहाँ रूप देखा जा सकता है बिहार, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के अन्य राज्यों में। चीनी उद्योग के स्थानीयकरण के निम्नलिखित कारक होते हैं। देखिए चीनी उद्योग को स्थानीयकरण करने के क्या कारण हो सकते हैं। आखिर चीनी जो है उद्योग हर उस क्षेत्रों में क्यों नहीं होती जहां गन्ना नहीं होता है, तो ये सब बातों पे हम प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। देखिए चीनी निर्माण में गन्ना ही एक प्रमुख कच्चा माल होता है क्योंकि चीनी बनाने के लिए गन्ने का ही उपयोग किया जाता है। अंततः चीनी मिलों की स्थापना गन्ना उत्पादन क्षेत्रों में ही हो सकती है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि चीनी मिलों की स्थापना जो है गन्ना उत्पादन क्षेत्रों में ही किया जाए तो ही अच्छा रहता है और वो तभी बेनिफिशियल भी हो सकता है। गन्ने की फसल काटने के बाद ना तो गोदाम में रखी जा सकती है और न ही उसे काटने के बाद खेत में अधिक समय तक छोड़ा जा सकता है क्योंकि वह जल्दी से सूखने लग जाते हैं। इसलिए जो है फसलों की कटाई के बाद गन्ना को तुरंत जो है चीनी मिलों में भेजना आवश्यक होता है, तभी जो है इसका सही उपयोग किया जा सकता है और सही रस भी जो है निकाला जा सकता है। अगर आप काट के खेतों में छोड़ देते हो तो वो आपके लिए कोई कीमत नहीं देगा। अगर गोदाम में भी रखा जाता है फिर भी नुकसानदायक है। इसलिए ये होता है कि गन्ना जिस क्षेत्र में हो वहाँ पर कारखाने लगाए जाए और वहाँ के जो है गन्ने के रस जो है बेखूबी निकाला जाए, जिससे कि है चीनी के उत्पादन में अपना महत्वपूर्ण गन्ना का स्थान हो सकता है। इसलिए जो है मैक्सिमम जगह जो है उन क्षेत्रों में चीनी मिलें लगाई जाती है जहाँ पर जो है गन्ना का उत्पादन होता है और ये आसान भी रहता है और बहुत ज़रूरी भी रहता है। कहते हैं गन्नों का परिवहन भी बहुत महंगा होता है क्योंकि आपको पता ही होगा कि गन्ना जो होता है काफ़ी हैवी मटेरियल्स है, यानी काफ़ी वजन होती है, इसलिए इसका परिवहन करना भी काफ़ी महंगा पड़ जाता है। आमतौर पर गन्ने को जो है बैलगाड़ियों में लाद कर जो समीप स्थल चीनी मिलों में भेजा जाता है और इससे सामान्यतः जो है 25 से 30 जो है किलोमीटर तक की दूरी तय की जा सकती है। अब गन्नों के जो है चीनी मिल तक पहुंचाने के लिए ट्रैक्टर, ट्रॉली, ट्रकों का प्रयोग भी किया जाने लग गया है और इस उपयोग दो कारकों के जो अलावा पूंजी की उपलब्धियां जो है विपणन की सुविधाएं और सहज और सस्ते मजदूर का मिलना और सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा की उपलब्धता इत्यादि कारक है जो चीनी मिलों को स्थानांतरित करने को काफ़ी प्रभावी एवं नियंत्रित भी करती है। तो ये बहुत ही आदर्श बात यहाँ पर आया है कि कोई भी अगर चीनी मिल जो है दुकारकों में देखा जाए तो कहते हैं पूंजी की उपलब्धियां होना जरूरी है, विपणन की सुविधाएं होना चाहिए, सहज और सस्ते मजदूर को मिलना, सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा की उपलब्धता इत्यादि होती है जो कि गन्ना मिल लगाने के लिए बहुत ही आदर्श जो है समय और मुहैया कराता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। उसके पश्चात आता है हमारे समक्ष उत्तरी भारत के क्षेत्र में चीनी उद्योग के भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में स्थानांतरित होने के कारण क्या है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि उत्तरी भारत के क्षेत्र में चीनी उद्योग के जो है भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में स्थानांतरित होने के क्या कारण हो सकते हैं। पिछले कुछ समय से चीनी उद्योग का क्रमिक रूप से धीरे धीरे उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र से हटकर भारतीय प्रायद्वीपों के राज्यों में स्थानांतरित हो रहा है और इसके पीछे कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित होते हैं। तो पहला कारण तो यही है कि प्रायद्वीपीय भारत में गन्ने की फसल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन उत्तर भारतीय क्षेत्र से अधिक है। तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि प्रायद्वीपीय भारत में गन्ने की फसल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन उत्तर भारतीय क्षेत्र से अधिक है। वास्तविकता तो यह है कि उष्णकटिबंधीय जलवायु गन्ने की पैदावार के लिए बहुत ही
अनुकूल होती है। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है कि वैसे यह है कि उष्णकटिबंधीय जलवायु गन्ने की पैदावार के लिए बहुत ही अनुकूल होती है। सकरा सुक्रोज की मात्रा जो गन्ने की मिठास को नियंत्रित करती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की फसल में आवश्यकता अधिक होती है। तो ये आप समझ सकते हो कि सकरा सुक्रोज की मात्रा जो गन्ने की मिठास को नियंत्रित करती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की फसल में ये अधिक मात्रा में पाई जाती है। गन्ना परोपण की अवधि जो है दक्षिण भारत में उत्तर भारत की अपेक्षा ज़्यादा लंबी भी होती है। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है कि गन्ना जो परोपण की अवधि दक्षिण भारत में उत्तर भारत की अपेक्षा थोड़ा लंबी होती है। और दक्षिण भारत में अधिकांश चीनी मिलें में जो है आधुनिक उपकरण को प्रयोग में लाए जाते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ आया है। यदि पांचवा अगर पॉइंट की हम बात करें तो कहते हैं दक्षिण भारत में चीनी उद्योग की अधिकांश मिल की स्वामित्व जो है सहकारिता क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहाँ मुनाफा को अधिक से अधिक करने का न तो लक्ष्य होता है और न ही प्रवृत्ति होती है। तो ये सबसे बड़ा जो है गलत बात है जिसकी वजह से जो है चीनी मिलों का जो है अधिक विकास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सहकारिता क्षेत्र होने के कारण जो है अधिक मुनाफा कमाने या ना ही तो कोई लक्ष्य होता है और ना ही कोई प्रवृत्ति होती है। तो ये बहुत बड़ी समस्या जो है खड़ा कर सकता है आने वाले समय में। उसके पश्चात अगर हम देखें तो यहाँ पर जो आया है एक बॉक्स जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, कहते हैं इसको सारांश के रूप में आप देख सकते हो, निष्कर्ष के रूप में देख सकते हो, कंक्लूजन भी आप सोच सकते हो। तो इस पॉइंट को अगर नोट कर लेते हो तो काफ़ी आपको फ़ायदा मिल जाता है, क्योंकि इस पॉइंट में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण बात को दर्शाया गया है। कहते हैं हर क्लास के बच्चे, हर एक कंपटीशन के बच्चे इस बात को नोट करके जो है वो अच्छे एग्जाम में जो है अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो इसमें देखिए शॉर्ट के रूप में देखा जाए तो यही है कि कृषि आधारित उद्योग जो है कृषि उत्पादन कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं, यानी जो है उद्योगों में जो है उत्पादों को जो है कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। भारत के संगठित क्षेत्र में सूती कपड़ा उद्योग सबसे बड़ा उद्योग है, यानी भारत के संगठित क्षेत्र में देखे जाए तो सूती कपड़ा उद्योग जो है सबसे बड़ा उद्योग है, और दूसरा नंबर पर जो आता है गन्ना उद्योग आता है, यानी गन्ने का जो है दूसरा स्थान पर यहाँ पर स्थान है। सूती वस्त्र उद्योग भारत का अधिकांश राज्य में अव्यवस्थित है, यानी सूती वस्त्र उद्योग जो देखा जाए तो बहुत से राज्य में कम है लगाए गए हैं। बड़ी संख्या में चीनी मिल जो है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात तथा बिहार राज्य में स्थापित है। तो ये काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण ये सिलेबस के अंतर्गत था जिसको हमने विचार किया, चर्चा किया और जानने की कोशिश किया। दोस्तों अगर ये बात सारी आपको समझ में आया तो ज़रूर इतना कीजिए कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जितना हो सके आपने इस वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि आप तिरपान स्टडी सेंटर को इसी रूप में हेल्प कर सकती हो। अगर हेल्प करने का देखिए जब मौका मिले तो कभी गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ पाते हो कहीं से तो कुछ आपको देना भी चाहिए। तो सबसे अच्छा है कि आप वीडियो को शेयर करके आप तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प कर सकती हो। और इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, YouTube से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है, ठीक है। और पहली बार अगर वीडियो देख रहे थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको तिरपान स्टडी सेंटर अच्छा लगता है तो बाद में अगर कोई टॉपिक रिसर्च कीजिएगा तो शायद दूर दूर तक आपको तिरपान स्टडी सेंटर नज़र ना आए। तो इससे अच्छा यही है कि आप तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लो। अगर आप सेव कर लेते हो जब चाहे जब मर्जी आप जो है इसके होम पेज पे सारे वीडियो देख सकती हो। अगर आपको सिलेबस के अंतर्गत देखना है, चैप्टर के अंतर्गत देखना है या क्लास के अंतर्गत देखना है तो आपको पता है कि 8 से जो है एमए तक के सारे वीडियो उपलब्ध है प्लेलिस्ट में, तो प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए और वहाँ पर सभी वीडियो का जो है फ़ायदा उठाइए। अगर आपको कोई सुझाव देना है, कोई बातें आप चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, कुछ समझाना चाहते हो, कुछ गलतियाँ इसमें लग रही है, चाहे जो भी प्रॉब्लम है आपकी, आप कॉमेंट अवश्य कीजिए, कमेंट कीजिएगा तभी गलतियों को सुधारा जा सकता है।